इसको यही चाहिए। हाँ, बस ये है। अलार्म बजे। और बाकी आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे, और खुशखबरी यह है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 9, तो अब जो समय भी हो चुका है खाना खाने का, तो खाना जो है कुछ ही देर में बनेगा। तो फिलहाल चलते हैं जी हम नीचे और जाकर के क्रियांश को लेते हैं, क्योंकि क्रियांश शाम में जाता है और दादा दादी के पास रहता है और लगभग अच्छा खासा देर रहता है, फिर रात में लेकर के उसको आ। तो क्रियांश यहाँ पर जो है तबाही मचाया हुआ था, हाँ? इसका नजर उतारा गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नजर उतारने के बाद कोई अलग बर्ताव है। तो ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है, अपने भगवान से ला के दिए। अच्छा, इसको यही चाहिए। ये कौन सा खिलौना है क्रियांश? लगा लगा देते हैं। नहीं नहीं दूर का वास्ते बजे थे कुत्ता के ऊपर बैठेगा। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:15, और हमारे घर में जो है वार्डरोब बनने का काम जो है शुरू हो चुका है। तो जितने भी कारीगर भाई साहब हैं वो सब आ गए हैं और बाकी अपना नापी सब ले रहे हैं। ओए, और क्रियांश भी देख रहा है कि घर में क्या हो रहा है, ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। हाँ? बात इतने सारे अंकल को देख रहा है तो सोच रहा है कि मेरे घर में भी आदमी सब है। वाह, है ना क्रियांश? तो बस बाबा दादी पापा इतने यहाँ भी दिखते हैं। बाकी मेरी मम्मी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी जब मालूम चला कि वार्डरोब में इतना खर्चा आ रहा है। कल मुझे जो है घर निकाला दिया जा रहा था, लेकिन जो है मम्मी अंत में मान गई कि नहीं, घर में रहने दिया जाए बेटी को। इसी की वजह से आप रह रहे हैं, क्योंकि आपको भगाया जाएगा कहीं भी जाएगा, इस वजह से आप रह नहीं पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी वजह से इसको थैंक यू। दादा दादी न मूड खाए न गमाड़ है, भगवान कृपा से मां सब असीम कृपा है दादा, इसलिए तुम कहीं भी जा सकता है। तो हम अगर हम जिंदगी में जिए और भगवान हमको क्षमता दिए, हमको नहीं लगता है कि तुम इसको बेहतर पढ़ाई ज्यादा, हम उस लायक है कि इसको पढ़ा सके। वाह, ये देखो कैमरा देख के कितना खुश है, आज इतनी अच्छी इंग्लिश है हमारे दोनों बेटे की, या ग्रामर भी जो भी है, भले भगवान हमारे बेटा को बहुत बड़ा आदमी नहीं बनाए, क्या बनाने वाले हैं सो अभी भी नहीं जानते हैं, समय बहुत है, लेकिन बेस जो है उसके पीछे श्यामदेव राय का ही है। ये हमेशा कहते हैं हमको जो भी है डैडी की वजह से हमारा प्लिंथ बढ़िया है, इसलिए राइज कर रहा है। ये देखो कैमरा देखे कितना खुश है, नया नया चीज देखता है खुश हो जाता है। ओए क्रियांश, अब लगता है सोएगा। हैप्पी पर हैप्पी। हां, अभी तो सो के उठा है, सो के उठा है, अभी क्या सोएगा ये। आप कृपया यहां और यहां काम हो रहा है, आप तीनों चले जाइए यहां से, इसलिए शांति देता हूं। काम करने से बेहतर हम आपको खिलाना नहीं समझते हैं, पोता है स्नेह में खिलाने लगते हैं, काम मां के दिए है, इससे बढ़िया है कि तुम लोग इसको खुद रखो काम में। मां कहती है तू अपना बेटा को पकड़ो, आजिश कर देता है। काम के समय इसको खिलाना बेहतर नहीं समझते हैं, उससे तो मेरा बेटा मेरा जिंदगी है, मेरा बेटा से पोता मेरा जिंदगी है, बेटा ही नहीं मेरा पोता मेरा जीवन है। वंश को देखते हैं बाबा वैद्यनाथ से, बेटा मेरी माँ मांग के लाई, पोता को हम लाए। जैसे हम दोनों बहन दोनों ननद को ले गए थे बाबा धाम जनों में, अगर उनकी दया हुई तो फिर सबको मुंडन होती है। इतना बूढ़ा हो गया है, इतना नटखट हो गया है लड़का। मेरी बेटी जो है नैन्सी अबरसा, वीडियो के द्वारा उन लोग को यूट्यूब के द्वारा हिदायत देते हैं, अगर वो लोग जन्मदिन में नहीं आए तो मेरे दरवाजे पर मेरे जीते चले, आपको भी घर से निकालो जाएगा।
बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ फिर खोले। अब ले जाकर खोले। डीजे बज रहा है इसका। डीजे बज रहा है। जरा भी वहीं पर चलो ऊपर नहाने। नहीं नहीं करते, इससे ज्यादा मजा आता है ना उसमें। चलो नहाएगा तब ना पूजा करेगा, ऐसे तो होता है। चलो चलो hours later. क्रियांश के दादाजी को कोर्ट जो है छोड़ करके आ गए हैं, और जब आए तो देखिए क्रियांश जो है अपना सोने के मूड में लग रहा था, लेकिन वो हमारी गलत फहमी थी कि क्रियांश अभी सोने वाला है। इसको तभी से लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन इसका भी सो जाएगा तभी सोएगा। लेकिन इसका सोने का जो है अभी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। पूरा मिर्चा वाली अफसर को नहीं सो जाएगा तब ही सोएगा। बाबू इतना बदमाश है, खराब मेरा कर दिया। हमारा सोनवा का बदमाशी देख के बोले थे, जब हमको इतना बेटा भतीजा है तो मेरा पता जैसा बदमाश कोई नहीं है। अब आज हम दोहरा रहे हैं, भतीजा हमको है, हमारा पता जैसा बदमाश कोई नहीं है। जिसके सामने जो बच्चा रहता है वही बच्चा सबसे ज्यादा शैतान दिखता है। ये बात भी सही है। लेकिन ये जो है ना दादा दादी को जितना परेशान करता है, नाती के बारे में भी सुनते हैं गतिक, वो भी बहुत बदमाश है। आमने सामने जो जन्मदिन वगैरह हो गया, ईश्वर के आज सब कुछ ठीक ठाक रहा, तब हम लोग कैसे रहेंगे इस समस्या। वही सोच रहे हैं, अब तो ये भी शैतान हो गया। उस समय ये शैतान नहीं था जब गतिक से मिला था ये। लेकिन अब वो उस टाइम मारता था इसको तो भाग जाता। आमने सामने का अभिनंद होगा बिल्कुल। हम लोग देख करके बाल रूप का आनंद लेंगे। A few moments later. भगवान का शुक्र है जी, क्रियांश सो गया है। और जब क्रियांश सो गया है, अब जो बाकी का बचा हुआ काम है वो जा करके हम जल्दी से हम निपटा लेते हैं। और सबसे पहला तो काम है नहाना। अभी तक हम नहाए नहीं है, हम इंतजार कर रहे थे। सुबह से किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, और उसके बाद जब सोचे नहाने जाएंगे तब देखे कि क्रियांश जो है सोने के मूड में है, लेकिन अभी सो नहीं रहा था। तो क्रियांश को जो है जा करके सुला दिया। ढूंढ रहा था पापा या बाबा कोई मिले जो मैं सो। तो दो ही आदमी के पास घर में सोता है, एक है पापा एक है बाबा। सोने के बाद हम चाहिए। सोने के बाद ये तो जल्दी से हम जा करके नहा लेते हैं, तब तक तुम बैठो उसके पास। जब हम नहा के आ जाएंगे तब तुम चलो। आज इनके बालों में मेहंदी लगानी थी लेकिन आज वो अब कैंसिल हो गया। अब क्या, बहुत लेट हो गया। अब कल दिखा जाएगा। ठीक है, अब जल्दी नहाइए, फिर बहुत सारा काम। तो क्रियांश को वहाँ पर देख सकते हैं, सीढ़ी के पास बैठा हुआ है मम्मी के साथ। ओए अंकल नहीं देख रहे, आ आ करके दौड़े कि देखिए हम क्या करते हैं, हमको देखिए। अंकल काम ना करें, तुम ही को देखते रहे बस बैठ के। ओए तो 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 हां ओए तो 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 अंकल को दोनों हाथ बढ़ा के देता है कि हमको देखिए। हां ओए कैमरा से बात कर रहा है, कैमरा से आप ही लोग से बात कर रहा है, देख सकते हैं इसको ना। तो आप लोग से बात कर रहा है, आखिर आप लोगों से क्या बात कर रहा है आप लोग जानिए। आपको क्या अंदाजा लग रहा है, आप लोगों को क्या बोल रहा है कमेंट करके बताइए। चल रहा है जी सारा काम, सारे प्लाईवुड को काटा जा चुका है, बस अब उसके बाद जो सन भय का उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो अब क्रियांश को लेकर के चलते हैं दादी के पास। दादी से बहुत देर से नहीं मिला है ये। ओए दादी का फोन आया, अभी छोटकी दादी सोया कहाँ है, लगभग मुश्किल से आधा घंटा सोया। सुते नहीं छो पापा, सब तो सुते। ओए अय्या सांसे मिर्चा वाली का सुते आदत। अब क्रियांश आ गया है अपने चाचा चाची के रूम में, हैं चाचा चाची के रूम में आ गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका खिलौना सब क्या क्या है। ये झुनझुना सब है, ज़्यादातर झुनझुना का ही क्वांटिटी है, और साथ में एक और स्पेशल खिलौना है इस बीच में। और ये यह क्या है खिलौना क्रियांश, यह है पेस्ट। पेस्ट है ये, लेकिन क्रियांश को जो है यह सब खिलौना से मन भर गया है। तो कभी कदार जो है कैमरा की तरफ झपट्टा मारता है, इसको कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए है? कैमरा चाहिए। कैमरा चाहिए तुमको। ले बाप लेंस टूट जाएगा।
लेंच टूट जाएगा, लेंच टूट जाएगा। ओए जी, अभी हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और साथ बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे थे कल के वीडियो को लेकर। कल हमने वीडियो डाला था, जिनको भी नहीं पता उनको जल्दी से बता दे, कल हमने वीडियो डाला था कि जिया के देवर देवरानी जो है यहाँ क्यों नहीं रहते, आखिर क्या मतभेद होगी, ऐसा करके कमेंट सब आ रहा था। तो सोचा कि उसके ऊपर जवाब दे दिया जाए, तो माँ ने जो है उसके ऊपर जवाब दिया था और देखा कि वहाँ जो रिस्पॉन्स आया जी बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने, काफी अच्छा लगा उस वीडियो को देख करके। और साथ में आपको जो है एक चीज और कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है नाराज हो गए थे, वो कह रहे थे कि हमने तो नॉर्मल सा सवाल ही पूछा था तो आप इतना नाराज क्यों हो गए। तो जी हम सवाल से नाराज नहीं हुए थे, आपका सवाल था तो हमने पोलाइटली जवाब भी दिया उसका, लेकिन कुछ लोग जो है हेट फैला रहे थे, तानेबाजी कर रहे थे और कुछ अजीब तरीका से बातचीत कर रहे थे, तो सोचा कि उनको एक बार जवाब दिया जाए। तो उनके लिए इस तरह से जवाब था, आप लोगों के लिए नहीं था। तो प्लीज जो भी लोग इससे ऑफेंड हुए हैं, प्लीज ऑफेंड नहीं हुई, हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं कि आप लोगों को ऑफेंड करें हम। और बाकी आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे, और खुशखबरी यह है कि देवर देवरानी जो है जिया के जो हमारा भाई हुआ और उनकी वाइफ, वो लोग जो है आने वाले हैं यहाँ पर बहुत जल्दी। बिल्कुल तो उनका है पहला वर्ड सावित्री, तो पहला वर्ड सावित्री बनाने जो है वो लोग आने वाले हैं, अप्रैल में उनका टिकट कट गया है, जल्दी आपको दिखेंगे हमारे ब्लॉग में। जब तक घर में रहेगा तो हमेशा दिखेगा, और जब नहीं रहेगा दिल्ली चला जाएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक। और भाई है, जब अपना अपना आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह कहीं जगह उसका लग जाए। अच्छा, बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। आप लोग हमको इतना सम्मान देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और माँ सारा कमेंट आप लोगों का पढ़ती है, आप में से जो भी कहते हैं जिया दीदी माँ को ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कमेंट के द्वारा, जो भी ये कहते हैं तो सारा कमेंट माँ रात में जब भी आराम करने जाती है तो सारा पढ़ती है ना माँ, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, माँ को स्पेशली बहुत प्यार देते हैं आप लोग, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग माँ पे प्यार बनाए रखिएगा। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग को कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं और आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।